अष्टम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर का सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पाठ चार महात्मा गांधी शीर्षक का अध्ययन करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने साथ हस्त पुस्तिका लेखनी आदि लेकर बैठे, जिससे के द्वारा मेरे द्वारा बताए गए सब अर्थ हिंदी अर्थ आप लिख सके, जिससे आपको यह पाठ समझने में आसानी होगी। तो आइए सर्वप्रथम इसका हम शब्दार्थ देखें। श्वेत पट पर लिखा भी है, सर्वप्रथम आपको देखना है विनयशीलन। विनयशीलन शब्द का अर्थ होता है विनम्र। लज्जालु, लज्जालु शब्द का अर्थ है शर्मिला। विदेयः, विदेयः शब्द का अर्थ है आज्ञाकारी। दृढ़ वर्तः, पक्की लगन वाला। पितृभक्ति, पिता की आज्ञा मानने वाला। हस्त पुस्तिकाम यानी कॉपी। अनुसरण शब्द का अर्थ हो गया नकल। दुर्व्यसनम शब्द का अर्थ हो गया बुरी आदत। अंगवा शब्द का अर्थ हो गया अंग्रेज। तकत्वा, तकत्वा शब्द का अर्थ हो गया छोड़कर। अस्मदीय है, अस्मदीय शब्द का अर्थ हो गया हमारी। सर्वकार सरकार। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। हेय तुच्छ। फिर पुनः देखें शब्द अर्थ। विनयशील शब्द का अर्थ हो गया विनम्र। लज्जालो शर्मिला। विधेय आज्ञाकारी। दृढ़ वर्तः, पक्की लगन वाला। पितृभक्ति, यहाँ पितृभक्ति यानी पितृभक्त, पिता की आज्ञा मानने वाला। हस्त पुस्तिका यानी कॉपी। अनुकरणम नकल। दुर्व्यसनम बुरी आदत। अंगला शब्द का अर्थ हो गया अंग्रेज। तकत्वा शब्द का अर्थ हो गया छोड़कर। अस्मदीय हमारी। सर्वकार सरकार। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति। हेय यानी तुच्छ। अब चलिए अब फिर संख्या 16 आप निकालेंगे। मैं पंक्तिबद्ध इस को पढ़ाने और उसके हिंदी अर्थ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति है महात्मा गांधी संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। महात्मा गांधी कैसा नाम, जिसके बारे में बताना, जिनका प्रशंसा करना सूर्य को दिए दिखाने के समान है। यह कैसा नाम है, जिस नाम को आप वर्ग प्रथम से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके बारे में आप जानते चले आ रहे हैं। तो पहली पंक्ति है महात्मा गांधी ना संपूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी था। अस्य जन्म गुजरात राज्य पोरबंदर नाम के नगरे अभवत। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। अस्य पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट स्थाने च दीवान इति प्रसिद्ध आसीत। इनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट में प्रसिद्ध दीवानों में से एक थे। माता श्रीमती पुतलीबाई आसीत और इनकी माँ पुतलीबाई थी, यानी इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई था। विद्या अभ्यास के समय मोहनदास गांधी साधारण बालक आसीत, यानी विद्या अध्ययन के दौरान यह एक साधारण बालक थे। कहने का अर्थ कि हम मेधावी नहीं थे, पढ़ने उत्कृष्ट नहीं थे, साधारणतः बालक थे। विनयशील, लज्जालु, विधेय इति च साधारण बालक आसीत। विनयशील यानी विनम्रता, शर्मिला और आज्ञाकारी ये थे। महात्मा गांधी महोदय महोदय सत्यम अहिंसा च जीवने प्रतिष्ठा परितो दृढ़ वर्ता आसीत। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तस्य उदारान मानवीय ज्ञान गुणान दृष्ट्वा कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर तम महात्मा इति शब्देन संबोधितवान। इनके यही मानवीय गुण को देखकर हमारे भारत के महान कवियों में से एक रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इन्हें महात्मा शब्द से संबोधित किया। तथा पश्चात सर्वे भारतीया तम महात्मा गांधी इति एव अभिजानाति। उसके बाद सभी भारतीय इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। आगे चलते हैं। बाल्यकाले एकदा मोहनदास गांधी सर्व पितृभक्त सत्य हरिश्चंद्र च इति नाटक द्वय दृष्टवान। बाल्यकाले यानी बचपन में एक बार मोहनदास
गांधी, सरन पृथ्वी भक्ति और राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, इन दो नाटकों को देखा। तदा बालकस्य मनसि महान परिणाम दृष्ट्वा आसीत, तब इस बालक के मन में महान परिणाम देखने को मिला। मोहनदास श्रवण कुमार इव पितृभक्ति युक्त तथा हरिश्चंद्र इव सत्य प्रिय भवामि इति निश्चितवान। मोहनदास यानी गांधी जी ने यह प्रण किया कि मैं भी श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त और राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी होऊंगा, ऐसा बनना उन्होंने निश्चय किया। आजीवनम सत्य प्रियताम त्यक्तु न इष्टवान, यानी कभी भी सत्य को नहीं त्यागूंगा, सदैव सत्य को अपने जीवन में लेकर ही चलूंगा। आगे पंक्ति है, एकदा प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक आगच्छत, एक बार प्राथमिक विद्यालय में स्कूल को निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर आए, निरीक्षक आए। ते सह पंच शब्दान लेखतुन अवदत, वे सभी छात्रों को पांच शब्द लिखने के लिए कहे। सर्वे छात्रा सर्वान शब्दान शुद्धम लिखन अलिखन परम बालक मोहनदास केतलम शब्द दोषपूर्णम लिखितवान। सभी छात्रों ने सभी शब्दों को सही सही लिखा, लेकिन बालक मोहनदास ने केतल शब्द को गलत लिखा। अध्यापक संकेतेन अकथ्यत अभिमस्य छात्रस्य हस्त पुस्तिकाम अवलोक्य लिख। जब निरीक्षण महोदय ने सभी छात्रों से शब्द लिखवाए तो अध्यापक महोदय जो उस समय उस वर्ग में उपस्थित थे, वे सभी बच्चों के कॉपी को देख रहे थे। जब देखे कि गांधी जी ने उस शब्द को गलत लिखा, वे जूते की नोक से इशारा करके बताया कि तुम अगले छात्र की कॉपी से इसे सही कर लो, लेकिन गांधी जी ने वैसा नहीं किया। किंतु मोहनदास तथा न अक्रोत, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। सह अनुकरणम दुर्व्यसनम मन्यते अस्मा, वो नकल करना बुरी आदत मानते थे। त्रयोदशे वयसि महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी इति कन्याया सह विवाहम कृतवान, 13 वर्ष के होने पर गांधी जी कस्तूरबा गांधी नामक कन्या से विवाह किए, यानी कस्तूरबा से विवाह किए, और उसके बाद गांधी जी के टाइटल से इनका भी नाम कस्तूरबा गांधी हो गया। चले आगे, अगले पृष्ठ में हम लोग पृष्ठ संख्या 17, अहिंसा पूर्वकम स्वतंत्रता प्राप्त ही महात्मा गांधी सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजेंद्र प्रसाद इत्यादि अनेके नायके प्राप्त वयम विषय आसीत। अहिंसा पूर्वक स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे की जाए, इसके लिए महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजेंद्र प्रसाद आदि राष्ट्रनायक के समक्ष यह विषय था। लाला लाजपत राय सुभाष चंद्र बोस इत्यादि प्रमुखा नायका आधुनिक काले क्रांति मार्ग स्वीकृतवंत आसीन आसन। लाला लाजपत राय सुभाष चंद्र बोस आदि ये सब जो नेता थे वो गरम दल के नेता थे, उन लोगों का जो मार्ग था वो हिंसा पूर्वक था, वे मार काट में विश्वास रखते थे, लेकिन गांधी जी का जो विचार था वो सत्य और हिंसा से जुड़ा हुआ था। एवं सर्वेषां प्रयत्नेन भारत देशः क्रिश्चन शताब्दी 944वें वर्षे अगस्त मासे 15 दिनांके स्वतंत्रतम अभवत। इन सभी के प्रयास से हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो नेतागण थे, उन सभी के प्रयास से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आरंगगा भारतम तकत्वा स्वदेशम गतवंता, अंग्रेज भारत छोड़कर अपने देश चले गए। भारते अस्मदीये सर्वकार स्थापित अभवत, हमारे देश में हमारी सरकार स्थापित हुई। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्राध्यक्ष, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय उपराष्ट्रपति अभवत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू हमारे देश के राष्ट्रपति और श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुए। प्रधानमंत्री रूपेण श्री जवाहरलाल नेहरू अधिकारम स्वीकृत वान परम महात्मा गांधी किमपि अधिकारम न स्वीकृत वान। महात्मा गांधी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्थापित हुए, लेकिन महात्मा गांधी ने किसी भी पद को लेना स्वीकार नहीं किया। क्रिसमस शताब्दी
नवदश अष्ट चत्वारिशत तमे वर्षे जनवरी त्रिंशत तमे दिने नाथुराम गोडसे इति कश्चित भारतीय महात्मा गांधी महोदयस्य हत्यां कृतवान। यानी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे या किसी भारतीय ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। भारत देशे गांधी महोदयस्य जन्मदिनं गांधी जयंती इति अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिने जना आचरन्ति। भारत देश में महात्मा गांधी का जन्म दिन गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आगे चले, गांधी चिंतन से विभिन्न धर्म में प्रभाव दृश्यते। यानी गांधी का जो विचार है वो विभिन्न धर्मों में दिखा जाता है, यानी देखा जाता है। जैन धर्मस्य प्रभावात् अहिंसाया अवधारणा गांधी दर्शने सर्वोपरि स्थान अवलत। यानी जैन धर्म के प्रभाव से अहिंसा को अवधारणा गांधी जी के सर्वोपरि स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद च कर्मवादस्य प्रभावो अपि गांधी दर्शने विद्यमान आसीत्। यानी श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ये कर्मवाद जो है गांधी जी के जीवन में विद्यमान है। गांधी दर्शनस्य प्रमुख सिद्धांत एव वर्तते। गांधी के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो लिखित हैं, निम्नबद्ध हैं। देखिए इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। ईश्वर अस्ति च स सत्य रूपं वर्तते। ईश्वर हैं और वह किस रूप में है? सत्य रूप में है। दूसरा पॉइंट है, धर्म हेयो नास्ति, धर्म एव जीवनस्य प्रेरणा स्रोत, अतः धर्म आचरणीय। यानी धर्म हीन नहीं है, किसी भी धर्म को हमें हीन नहीं समझना चाहिए। जीवन जो है धर्म के ही प्रेरणा स्रोत है, यानी धर्म ही जीवन के प्रेरणा स्रोत है। इसलिए धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। कृत्रिमा आवरणवादी च भौतिकता जीवनस्य कृते अनहार्या अस्ति। कृत्रिम और आवरणवादी भौतिकता जीवन के लिए व्यर्थ है, यानी इसे हमें त्यागना चाहिए। आगे है, मनसा वाचा कर्मणा व्यवहारेण च अहिंसा अनुपाल्या। यानी मन से, वचन से, कर्म से और व्यवहार से अहिंसा का पालन करना चाहिए। सर्व धर्म समभाव एव यथार्थ मानवतावादी अवधारणा वर्तते। यानी सभी धर्म समान है, न कोई धर्म छोटा न कोई धर्म बड़ा, सभी धर्म एक समान है, ऐसा मानवतावादी अवधारणा है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।